No! Let them enjoy. Okay guys, namaskar. I hope you all are doing well. तो आज की जो सुबह है, आज की जो मॉर्निंग है, जंगल में बच्चों के साथ है. बच्चों को भी जो है थोड़ा सा जंगल के बारे में आज बताने वाले कि जंगल की क्या विशेषताएं हैं, प्रकृति के क्या क्या फायदे हैं, वहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं, जो नाले बहते हैं, वो किस तरीके से प्रकृति को जो है एक सुंदरता देने में अपना योगदान प्रदान करते हैं. तो काफ़ी सारे विषयों पर बच्चों को जानकारी दी जाएगी. तो आप भी चलिए हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. आई एम श्योर यू गोना लव दिस वीडियो एज ऑलवेज. ओके, तो अभी गाइज, अभी बच्चों को एक बात बता दूं, आगे जाके बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि बिल्कुल शांत वातावरण वाला नेचुरल जंगल है और शोर नहीं मचाना, बिल्कुल शांति से प्रकृति के मजे लेने, ठीक है, ताकि जंगली जानवर भी डिस्टर्ब ना हो. ओके, ऑलराइट, बोलो से यस. वेरी गुड, चलो ना. वेरी गुड बच्चों. ओके, तो जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं. मेरी फ्लोरा और परी, जर्मन शेपर्ड एंड डोबरमैन, दोनों मेरा साया जो मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मेरे साथ तैनात चौकन ने. लेट्स गो बेबी, लेट्स गो, चलो, गो अहेड. ये घनघोर जंगल, चारों तरफ खाई, पहाड़, चलो, गो, 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 कम ऑन, गो, कम ऑन, लेट्स गो. आगे हम बच्चों से मिलने वाले हैं. अभी चलने की बिल्कुल जगह नहीं है घोर जंगल में. Let me find if I could see the path. ये कहाँ कहाँ से रास्ते पर परी, कहाँ कहाँ से रास्ते बना के आ रही है ढूंढ ढूंढ के. हाँ, शाबाश, carry on, carry on, carry on. आइए, चलो उधर आगे मत जा बेटा. जंगल में बरसातों के बाद जब पानी बहता था, कुछ इस तरीके से धरती को चीर के अपना खुद का रास्ता बना लेता है. देखिए जरा, बहुत बढ़िया. हाँ, डर तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा. डर निकल गया ना? हाँ, निकल गया. अब मैंने बोला लाइन तो प्रॉपर लाइन में ही आ गए आप लोग. आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरुष है. आरुष, और आपका नाम क्या है? शाश्वत. शाश्वत, तो डॉग से डर तो नहीं लग रहा किसी को? मुझसे तो बोलो, डर तो नहीं लग रहा? नहीं. चलो, वेरी गुड, आ जाओ. ये बच्चे जो है काफी डरे थे डॉग से, आज इनका डर निकालने के लिए मैंने इनको बताया कि इतने सोशल एंड मेरे डॉग्स कैसे बच्चों से भीड़ में किसी पर अटैक नहीं करते. तो आप देख सकते हैं सारे बच्चे बिल्कुल उनके साथ चल रहे हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल निडर बेखौफ. चलो, बिल्कुल चारों तरफ हरी भरी हरियाली, नीला आसमान, बच्चों के साथ एक प्यारी सी सुबह. ये सारे डरते बिलखते परेशान, इनका डर निकालना आज मेरे डॉग से. ये सारे बच्चे काफ़ी डरते, मैंने कहा डरो मत, आज आपको स्पेशल इनको जंगल राइड पे हम लेकर आए हैं, ताकि इनको थोड़ा पता चले प्रकृति के बारे में, जंगल के बारे में, खौफ इनका निकले. डरो मत बेटा, आप आते रहो. चलो, शाबाश, डरो मत, भागो भागो भागो, डरो मत. चलो, ये देखिए क्या मजेदार रास्ता है गाइस. लेफ्ट में चल, लेफ्ट में चल. चलो भागो, गो, शाबाश. डरना नहीं है किसी को भी, डरना नहीं है. भागो, शाबाश, भागो भागो, एंजॉय एंजॉय एंजॉय. ये डॉग कुछ नहीं बोलेंगे आपको, अब निश्चिंत रहो, चलते रहो चलते रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूँ साथ में. चलो, ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन. चलो चलो चलो, डरो मत भैया, डरो मत, बच्चों को करने दो एंजॉय. अभी देखो पक्षियों की आवाज़ कर रहे हैं, काफ़ी कोर जंगल में हम आ गए हैं, तो पक्षी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि भैया हमारे इलाके में आ गए हो आप. ये प्रकृति का लाम होता है. चलो, ओके, स्टॉप चिल्ड्रन, स्टॉप स्टॉप. है सच में? नहीं है. परी देख कितनी सारी गाय.
तो भाई जंगल में देखो कितनी सारी गायें यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़ा ही शानदार नजारा। चलो फ्लोरा आ जाओ। पानी का थोड़ा सा ये बहता हुआ डॉग्स आ गए हैं यहाँ पे। ओ परी इतनी तो बैठ ही गई। शाबाश शाबाश, छोटा सा है नाला, कूद जाओ सब। वेरी गुड। नाला की गोबर का खाला वो तो वो आगे चल गया। चलो साथ में। चलो शाबाश। चलो वन बाय वन। चलो 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 कैरी ऑन सामने देखो, लेफ्ट राइट में नजर रखनी है क्योंकि जंगली कीड़ा है सांप ना हो। बस चलते रहो चलते रहो। अरे यार इतना क्यों डर रहे हो तुम लोग। चलो चलो चलो। ये बड़ा डर रहा है छोटा वाला लड़का, दिल पे हाथ रखे। दादागिरी दिखाते हुए और डेडी मस्ती करते हैं। रन 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 पूरे मजे लेती हुई परी। तो इस जंगलों में चलने वाली नदियों को आजकल लोग काफ़ी बीच में रोक देते हैं, फिर मैं बता दूं कि इन नदियों से ही जंगली जानवरों को पानी मिलता है, पेड़ों को पानी मिलता है, आसपास जो प्रकृति है उसको सींचने में पानी का और स्रोतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको भी बीच में रोके ना, इनको प्राकृतिक तरीके से ऐसे ही चलने दिया करें। तो ये है महत्वता छोटी छोटी झीलों की, नदियों की, नालों की जंगलों में। चलो आओ परी, चलो लेट्स गो नाउ। कुछ गाय यहाँ पे घूमती दिखाई दे रही हैं जंगल के बीचों बीच। वहाँ पर एक चट्टान में ना एक पेड़ आधी जड़ अंदर है आधी लटकी हुई है। ओह चलो फ्लोरा लेट्स गो नाउ। ये देखिए नीम जो है बिल्कुल टॉप पे लगा हुआ है और पूरा चट्टानी टूटा हुआ है, मिट्टी का पूरा टीला खड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि किस तरीके से खाली मिट्टी का एक टुकड़ा बचा हुआ है और बाकी सारा ढह के जमीन में मिल गया। इसका कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेड़ है, वृक्ष जहाँ पे मजबूती से ऊपर तना है, तने ने जड़ ने जो है सब कुछ रोका हुआ है और बाकी सब ढह गया है। तो पेड़ों की महत्वता आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है ट्रीज की। प्रकृति का जो एक संयोजना है उसको व्यवस्थित रखने में। कोर जंगल है दूर दूर तक, चारों ओर जहाँ भी निगाह घुमाएंगे वहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है, हरियाली ही हरियाली है दूर दूर तक, जहाँ तक भी आप देखेंगे। तो ये सारे बच्चे बहुत एंजॉय करते हुए पूरे जंगल में गिरा हो गए और ये आ गई फटाक से की आवाज, क्या है क्या हलचल हो गई, क्या गड़बड़ है। तो एंजॉय कर रहे हो पूरा जंगल में आप लोग? हाँ अरे 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 क्या हो गया, इतना क्यों गिर रहे हो? अच्छा ये बताओ जंगल में मजा आ रहा है? सबसे बेस्ट पार्ट क्या था जंगल में? खाई और झील और जंगली जानवर, मजा आया देख के?
बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस बच्चों को जो है जंगल में सैर कराना, उनको एक प्राकृतिक अनुभव कराने का एक अलग ही मजा था, काफी इंटरेस्टिंग रहा। डॉग्स भी साथ में जो है पूरा एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो प्लीज कैरी ऑन, स्टे ट्यून्ड विद रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। जंगली असली एलोवेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक जड़ी बूटियां भी यहाँ पे काफी हैं प्रचुर मात्रा में। आगे गायों का एक झुंड दिखते हुए, फ्लोरा आगे बढ़ते हुए, हाई फ्लो बेबी। ये गाड़ी का नमूना पेश करते हुए जंगली जानवर पास आए, चाहे गाय हो कोई, उसके लिए सब जंगली जानवर ही हैं। उनके उनको जो है ओनर से प्रोटेक्ट करते हुए फ्लोरा एग्जांपल दे रही है। ये कह रही है कि यहाँ पे मेरा ओनर और बाकी लोग खड़े हैं, यहाँ से हट जाओ, आगे मत बढ़ो, उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। ओके फ्लोरा, ओके रिलैक्स। ए फ्लोरा आजा, बस हट जा। आजा इनका गार्ड था ये गायों का बेचारों का, इधर क्या कर दिया नहीं। ओके रिलैक्स 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 चैंप्स रिलैक्स। नो 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 परी फ्लोरा, नो कम बैक फ्लोरा, आजा छोड़ दे उसे, फ्लोरा छोड़ दे। आखिर उन्होंने भगा के दम लिया। गाइस ये एग्जांपल है अच्छी गार्डिंग ब्रीड का, डोबरमैन और जर्मन शेपर्ड दोनों ही जो हैं काफ़ी अच्छे गार्डिंग ब्रीड हैं। आपने इसका एग्जांपल देखा किस तरीके से अपने ओनर के पास से किसी को भी भटकने नहीं देते। जहाँ तक इंसानों की बात है, सोशलाइज्ड हैं, इन्हें पता है कि इंसानों से खतरा नहीं है। इनको इतना मैंने शुरू से ग्रूम किया हुआ है, वेल ट्रेन किया हुआ है, सोशलाइज किया हुआ है कि भीड़ में भी बच्चों को या बड़ों को कुछ नहीं कहते। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि घर में कोई एंट्री करता है तो ये क्या हाल करते हैं, कितने अग्रेसिव हैं, कितने वेल ट्रेन्ड हैं, वेल बिहेव्ड हेल्प बोलती है। देखो कैसे भाग के आई एकदम फौरन मेरे पास। हाय माय स्वीटी, ये देखो मोर का पंख जंगल के बीचों बीच। No! Let them enjoy. प्लास्टिक कितनी हार्मफुल है नदियों में, आप एग्जांपल देख सकते हैं कैसे जंगल में आके जम गई है पानी के सहारे, जो कि प्रकृति के लिए काफी हार्मफुल है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो। तो भाई सतूश का पेड़ है, आई होप आपने बचपन में बहुत सतूश खाए होंगे।
मैं तो बहुत पेड़ पे चढ़ के खाए हैं, बड़ा मजा आता था। गाय खाती है जो, कहाँ गए बच्चे? ये देखो मेरा, ये जो प्लास्टिक हम लोग घर के बाहर फेंक देते हैं ना, और प्लास्टिक का यूज करते हैं, उसको जो है गाय खाती है। और गाय देखो किस तरीके से अपने पेट से फिर खा के इसको निकालती है, उल्टी करती है। ये देखो आप, ये सारा प्लास्टिक जो है गाय का निकाला हुआ है। पन्नी बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। तो तभी कहते हैं, आपको टीचर्स बताते हैं, हम सब लोग बताते हैं कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना, पेपर या जूट का यूज करना है जब भी मार्केट से कुछ खरीदने जाते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को? कहीं भी खाओ तो उसको जेब में डालो या घर पे फेंक दो कूड़े में। बिल्कुल, और रस्ते में नहीं फेंकना प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज। हम लेज वगैरह खाते हैं, तोड़े खाते हैं। चलो, और अभी यहाँ पे कुछ भैंसे दिखती हुई, फ्लोरा का रिएक्शन तैयार। Flora, come. Flora, aja. इंसान में और जानवर में कितना डिफरेंस है आप देखिए। कौन ज़्यादा वेल मैनर्ड है, कौन ज़्यादा साफ सफाई से रहता है, कौन प्रकृति की ज़्यादा रक्षा कर रहा है, इंसान के जानवर? जहाँ पे इंसान रहता है प्लास्टिक गंद सारा गंद मचा के रखा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कौन बच्चा टीम का कमांडो बनना चाहता है, लेकिन इसमें संघर्ष बहुत है। कोई आसान काम मत समझना इसको, कमांडो बनना आसान काम नहीं है। कमांडो का मतलब क्या होता है? हर दुविधा को पार करता है कमांडो, हर क्षेत्र को फतेह हासिल करता है कमांडो को। स्पेशल भेजा जाता है किसी मिशन के लिए। अब और कौन बनेगा? अब उस टीम में आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं, लेकिन उसकी शुरुआत मैं आपकी गली से करूंगा। कैसे काम करना है उसके लिए बात करेंगे हम। ये जंगल के बीचों बीच जो है एक बड़ा ही सुंदर सा पानी का स्रोत भी बना के रखा हुआ है, पर मैं देख सकता हूँ कि इसमें काफ़ी जो है मच्छर पनप रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई है आई थिंक काफ़ी टाइम से। आप दातुन करते हो? और इसमें रखना था। अच्छा सुनील भाई, नीम का पेड़ किस काम आता है जरा बच्चों को बताइए। करते हो आप ब्रश करते हो कोलगेट से? अंकल को सुनो, बच्चे ध्यान से सुनो। करते हो ना, उसके अंदर होते हैं केमिकल। खा लो बेटा, खा लो। आप जिप भी करते हो लोहे की, उससे जिप भी करते हो ना बेटा? जो नीम का पेड़ की जो दातुन है, ये दातों को बड़ा अंदर तक साफ करती है, बिल्कुल कहीं भी गंदगी जो। दूसरा ये जिप्पी का काम करती है। तीसरा ये जो हमारे अंदर से जो गंदगी निकलती है, जिससे हमारी फुंसियाँ होती है, इसकी दातुन करने से हमारे फुंसियाँ नहीं होंगी। जो मरोड़ी हमारे अंदर हो जाती है वो नहीं होंगी। दूसरा नीम की नीम के पत्ते खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती, ठीक है। इसकी जो छाल है इसको खाने से पेट के अंदर कीड़े नहीं होते। मैं कह रहा हूँ एक पेड़ हमारे कितने काम आता है, और स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जो हमारी इसकी निमोनी है, जो इसका फल है, सही है ना, जो इसका फल है। ओके, तो आज ये प्यारे प्यारे बच्चे मुझे बताने वाले हैं कि जंगल में जब ये लोग आए आज एडवेंचर ट्रिप पे, तो इन सारे जूनियर कमांडोज ने क्या क्या देखा, थोड़ा बताइए जरा क्या क्या देखा। पास आके आगे इनका एक्सप्रेशन अच्छा। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके लिसन, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं अखिल भाई। और पास आके दिखाना जरा, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या देखा बताओ? गंदगी नहीं करनी चाहिए और पॉलिथीन नहीं फेंकनी चाहिए। वेरी गुड, आपने देखा गाय ने किस तरीके से पॉलिथीन खा के छोड़ा हुआ था जमीन पे। तो गाइस जब भी आप पॉलिथीन का यूज करें, तो पहली बात तो यूज करें ना, सब्जी लेने जाएं कुछ लेने जाएं तो जूट का या कपड़े का थैला लेके जाएं, ताकि उसमें आप सब्जियां सामान लेकर आएं। प्लास्टिक को जो है, मैं आपको पहले भी मैंने कई बार दिखाया जमीन में किस तरीके से प्लास्टिक जमी है, पेड़ जो है ठीक से पनप नहीं पाते हैं, जड़ों को जगह नहीं मिलती, वर्षा का पानी जमीन में जा नहीं पाता। तो पॉलिथीन जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे नेचर के लिए। इसके अलावा और क्या क्या देखा गाइस, जल्दी जल्दी बताओ, चलो सारे मेरे को। मोर देखा, उधर देखिए होटल कैमरे की तरफ। डॉग्स क्या एक्टिविटी कर रहे थे मुझे बताओ। इतने सारे लोग बोलोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, एक एक बताओ, आप बताओ। वन बाय वन,
रेस कर रहे थे, पानी में दौड़ रहे थे। अच्छा जंगल किन किन लोगों ने देखा ये बताओ? मैंने। जंगल में क्या देखा? दो पहाड़ दिखाई दिए थे जो मट्टी के पहाड़ थे। हाँ। देख के डर लग रहा था जिनको, इतने पहाड़ कहाँ से आ गए। एडवेंचर्स आगे भी आओगे ना, आगे भी आओगे। इन्वायरमेंट के लिए प्लांटेशन करोगे? हाँ। पॉलिथीन नहीं फेंकोगे? दूसरों को रोको और टोको का प्रिंसिपल, खुद भी रोको दूसरों को टोको, ठीक है? चलो एक बार मेरे साथ भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। ओके एक साथ, चलो ठीक है। ओके बच्चे रेडी? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। और बच्चे और जितने जड़ी बूटी जो बनते हैं, जड़ी बूटी के काफी पौधे हैं जिसे हम जानते भी नहीं है लेकिन हम उपयोग ला सकते हैं। ओके तो अभी मेरे साथ जो है बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जैसा कि मौजूद हैं जंगल में। आपको मैंने बताया अभी एडवेंचर ट्रिप से हम लोग आ रहे हैं बच्चों के साथ, तो मैं बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से एक और छोटा सा जागरूक करना चाहता हूँ कि जब भी आप अकेले स्कूल जाएं या रास्ते में कहीं जाएं या घर के आसपास जाएं, कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी जिसको आप जानते नहीं हो, आपको बोले कि आपके पापा मम्मी को चोट लगी हमारे साथ चलो, काफ़ी लोग बच्चों को उठा के ले जाते हैं, किडनैपर्स होते हैं, तो आपको कोई ऐसे बुलाने आता है तो क्या आप जाओगे उनके साथ? नो। क्या बोलोगे? बोलना? आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं आप बोलना, मेरे पापा को लगने लगने दे यार, तू एंजॉय कर, मुझे कोई टेंशन नहीं है तो तू क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक है? पक्का? और क्यों बोलता है चॉकलेट ले लो, टॉफी ले लो, मेरे साथ वहाँ चलो, तो किसी की बातों में बहकावे में नहीं आना। कोई पड़ोस का अंकल या आंटी भी बुलाते हैं तो भी किसी के साथ नहीं जाना जब तक कि आपकी फैमिली उनको अच्छे से जानती नहीं है, क्लियर है? और किसी भी स्ट्रेंजर के साथ उसकी गाड़ी में या बाइक में या किसी भी तरीके से किसी के साथ नहीं उठ के चलना है, क्लियर है? पक्का? आपको कोई बोलेगा अंकल कि चलो, आंटी बोलती है चलो चॉकलेट लो मेरे साथ घूमने चलो, तो आप चले जाओगे क्या? नो। बिल्कुल नहीं जाओगे ना? नो। और चिल्लाना है और जोर शोर मचाना है कि देखो ये मुझे परेशान कर रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ से भाग जाएं, ठीक है? ठीक है? ठीक है। हाउ्स द जोश? हाय सर। हाउ्स द जोश? हाय सर। हाउ्स द जोश? हाय सर। जय हिंद। जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें मोटिवेशन के लिए, कमेंट में अपनी राय दें वीडियो कैसा लगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब अगर पहली बार आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अ प्रीशियस टाइम, टेक केयर।